दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आंवला राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। इसे हम लेफ्टओवर राइस से भी बना सकते हैं। फ्रेश आंवला को सीधे खाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रेश आंवला स्वाद में कसरैले होते हैं। लेकिन इस तरह की स्वादिष्ट रेसिपी बनाकर हम फ्रेश आंवला को आसानी से खा सकते हैं। आंवला के फ़ायदों के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 3 फ्रेश आंवला लिए हैं, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है, थोड़ी फ्रेश करी लीव्स लिए हैं और 1 मुट्ठी सिंगदाना लिया है, जिसे मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। और ये लेफ्ट ओवर बॉयल राइस है, इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिलाएंगे। करी लीव्स को चॉप कर लेंगे। अब फ्रेश आंवला को ग्रेट करेंगे। ये मैंने 3 फ्रेश आंवला को ग्रेट कर लिया है और इसके साथ अदरक भी ग्रेट कर ली थी। अब गैस पर पैन रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। राई पकने के बाद कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और चॉप करी पत्ता डालेंगे। अब ग्रेटेड फ्रेश आंवला डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी लाल मिर्ची डालेंगे। अब कुछ देर तक इसे भूंजेंगे। अब रोस्टेड पीनट डालेंगे और कुछ देर तक स्टर करेंगे। फिर 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब ये आंवला पूरी तरह से पक चुके हैं, इसमें बॉयल राइस डालेंगे। कुछ देर बॉयल राइस को आंवला के साथ अच्छी तरह से भूंजेंगे। अब 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए, राइस में आंवला अच्छी तरह से भूंज गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे। हमारा स्वादिष्ट आंवला राइस तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से हम फ्रेश आंवला को आसानी से खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये फ्रेश आंवला राइस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये फ्रेश आंवला राइस पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।